इस वजह से अब ये पत्थर दिल हो गया फॉर यू, तो इसलिए ये आप पर ध्यान नहीं देता, इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ता आपके रोने का। आपके पार्टनर का दिल पत्थर का है जो पिघलता नहीं है, इवन आपके आंसुओं को देखकर भी, आपके मनाने के बाद भी, आपके रोने के बाद भी। तो क्या करें, कैसे उसके उस पत्थर दिल को पिघलाएं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि आपका जो पार्टनर है ना, वो चला गया आपको छोड़ के, बहुत दूर चला गया, वापस आना नहीं चाहता, ब्रेकअप कर लिया। आपने हर एक मुमकिन कोशिश कर ली है उसको वापस लेकर आने की, दिखाने की कि आप कितना प्यार करते हैं, गिड़गिड़ाने की। आपके किसी भी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उस पर, वो पिघलने को ही राजी नहीं है, वो पत्थर बन चुका है और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें और ऐसा क्यों है। तो इस चीज को समझना ज्यादा जरूरी है कि ऐसा है क्यों। देखिए, कोई भी इंसान पत्थर दिल तो नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी का दिल ऐसा है जो पिघलेगा ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम श्योर जो पार्टनर आपको देखकर नहीं पिघल रहा, जिसको आपके आंसुओं को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको आप देखेंगे ना कि वो अपनी फैमिली के लिए कैसा है, तो आपको पता चलेगा कि अपने फैमिली के लिए वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, अपनी फैमिली पर मरता है, जान छिड़कता है या फिर छिड़कती है। उसके घर में किसी को इतनी भी तकलीफ हो जाए ना तो उसकी रूह कांप जाती है। तो क्या ये पत्थर दिल है? नहीं है ना। अगर पत्थर दिल होता तो वो इंसान सबके लिए इक्वल होता, उसको किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। बट ये इंसान बाकी सबके लिए नॉर्मल है, इसका हार्ट सॉफ्ट है, बट ये पत्थर दिल सिर्फ आपके लिए। इट मीन्स प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों के रिश्ते में है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब बात ये समझनी है कि आप दोनों में क्या प्रॉब्लम है, आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उसका दिल पत्थर का हो गया है फॉर यू ओनली। सिर्फ आपको ही देखकर उसको कोई परवाह नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई एक रीजन नहीं है। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये हो सकता है कि वो आपको पसंद नहीं करता, मीन टू से आपको प्यार ही नहीं करता। जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं ना, वो 1000 गलतियां भी कर ले, इसके बावजूद हम उस इंसान की तकलीफ को नहीं झेल पाते, ये सच है। मान लिया कि आपने कुछ गलती कर दी होगी, आपने कुछ मिस्टेक्स कर दी होंगी, आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, बट अगर ये इंसान सच में आपको प्यार करता तो इसको सच में फर्क पड़ता आपके रोने का। लेकिन अगर इसे फर्क नहीं पड़ रहा तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपसे प्यार ही नहीं करता था, आपके तरफ इसका सिर्फ अट्रैक्शन था, और अट्रैक्शन एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, जो कि खत्म हो चुका है इसकी साइड से, और अब ये मूव ऑन कर चुका है। अब आपके लिए इसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, आप जियो या मरो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, ये पत्थर का बन गया है। पहला तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि ये इंसान प्यार तो आपको बहुत करता था, आज भी करता है, बट आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जो इसके दिल में बैठ चुकी हैं, जिससे इसका दिल भर चुका है और बहुत टूट चुका है। आपकी वो गलती इसने बहुत बार कोशिश की सुधारने की, इम्प्रूव करने की, बहुत बार आपको वार्न भी किया था कि सुधर जाओ वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा, बट आप नहीं सुधरे। आपने उन वार्निंग्स को बहुत लाइटली लिया, आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, और आपको लगा यार क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये तो करता ही रहता है, बोलता ही रहता है। आपने वो चीजें सीरियसली ली ही नहीं, और वो धीरे धीरे वो चीजें इतनी गहरी हो गई कि इसका दिल ही आपसे हट चुका है। इसके अंदर आपके लिए जो इमोशंस है ना, वो एकदम नहीं खत्म हुए, बहुत स्लोली खत्म हुए हैं और आज फाइनली खत्म हो चुके हैं। अब ये इंसान आपको प्यार नहीं करता, अब नहीं करता, आपकी हरकतों से इसका दिल खट्टा हो चुका है पूरी तरीके से, सब कुछ खत्म हो गया इसके दिल में जो आपके लिए था। इस वजह से अब ये पत्थर दिल हो गया फॉर यू। तो यहाँ पर ये नहीं है कि इसके अंदर कमी है, आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम रही है, उसके वजह से चीजें हो चुकी है। देखिए, ये मैं एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ उस चीज़ को कि मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते थे। इस इंसान ने आपको बहुत बार समझाया कि यार डोंट अब्यूज़ मी, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने नहीं समझा, फिर दोबारा आपने अब्यूज़ किया, फिर इसने समझाया कि डोंट अब्यूज़ मी, मैं झेल नहीं सकता या मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप नहीं माने, फिर आपने एक दिन अब्यूज़ कर दिया। फिर ये इंसान गुस्सा हो गया, आपने इसको मनाया, सॉरी बोला और आपके से बोला कि नहीं बोलोगे गलत बात, अब्यूज़ नहीं करोगे। आपने चीज़ों को ठीक कर लिया, लेकिन फिर एक बार गुस्सा आया, आपने फिर अब्यूज़ किया। तो मीन्स आप हमेशा इसको अब्यूज़ करते आए हैं। इसने बहुत बार कोशिश की आपको समझाने की कि आपकी ये लैंग्वेज, आपका ये डिसरिस्पेक्ट करना, इससे नहीं झेलता। और अगर आपने इन चीज़ों को बंद नहीं किया तो ये इंसान एक दिन आपको छोड़ देगा। और ये सिर्फ एक बार से नहीं हुआ, ये सालों से होता आ रहा है। एक दिन वो आएगा जहाँ इसके मन से आपके लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी और छोड़ देगा। और ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आप हाथ उठाते हैं, ये भी हो सकता है कि आप कंट्रोल करते थे, ये भी हो सकता है कि आप कुछ अलग ऐसा काम करते थे जो उसको पसंद नहीं था। ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप रिपीटेडली सालों से करते आए थे मना करने के बाद भी, और एंड में इसने थक कर आपको छोड़ दिया। इस वजह से अब ये पत्थर दिल बन चुका है, क्योंकि आपके लिए इमोशंस खत्म हो चुके हैं इसके दिल में। होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है, स्टिल आप परेशान हो रखे हैं, तो उसके लिए उसका अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि मैं आपको पर्सनली इस चीज़ को सजेशन दे पाऊँ। बट मैं वार्न करना चाहूँगी और समझाना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी आप कॉल कीजिएगा, तभी आप अपनी कॉल बुक करवाना, क्योंकि इस कॉल के चार्जेस लगते हैं। सो ये तो रही इसकी बात। अब एक और रीज़न जो हो सकता है इसके पत्थर दिल होने का, वो ये कि इसकी ज़िंदगी में ना सडन कोई और इंसान आ गया है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक नई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बहुत ज़्यादा हमें अपनी तरफ खींचती है। प्यार चाहे कितना भी पुराना हो, एक अट्रैक्शन की गुंजाइश कभी कभी रहती है। इसके साथ में वही हुआ है कि रिश्ता बहुत अच्छा था, अचानक से इसकी ज़िंदगी में कोई एक और इंसान आ गया। अब आपके साथ तो ये सालों से है, आपकी अच्छाई आपकी बुराई सब इसके आगे ओपन है। जो नया इंसान आया है ना, उसकी सिर्फ खूबियां पता है, और ये क्या करता है, अनविलिंगली अनकॉन्शियसली आपकी अच्छाई बुराई को उसकी अच्छाई के साथ में कंपेयर करता है। और ऐसे करने से आपके अंदर इसको कमियां दिखती हैं, उसमें खूबियां दिखती हैं, क्योंकि उसकी कमियां अभी इसको पता नहीं है। कमियां हमें बाद में पता चलती हैं, वक्त बिताने के बाद। कमियां एकदम से हम नहीं देख पाते किसी इंसान। तो उस नए इंसान की खूबियां ये देख रहा है, आपकी कमियां देख रहा है। अचानक से इसको लगता है कि आपसे बेहतर है वो, और इसके ऊपर एक गजब तरीके का अट्रैक्शन हो जाता है उस इंसान को लेकर। एकदम इन्फ्लुएंस में आ जाता है उस इंसान के, एकदम पागलपन सवार हो जाता है इस इंसान पर कि जो मुझे चाहने वाला है, जो सच्चा इंसान है, वो यही है। और उस अट्रैक्शन में इसे आपके जीने मरने का फर्क नहीं पड़ता, इससे आपकी किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता। आप इसके आगे कितना भी रोएं, कितना भी गिर गए, इसको फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये किसी और के इन्फ्लुएंस में है। कोई और समझा रहा है, आपकी हर चीज़ को फेक बता रहा है, इस वजह से इस पर फर्क नहीं पड़ रहा। इस सिचुएशन में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी चाहिए कि उस इंसान को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, उसके लिए रो मत, छोड़ दो उसको। ये अट्रैक्शन सिर्फ कुछ महीनों तक रहने वाला है, ये इंसान अपने आप ही लौट के आता है। लेकिन ज़रूरत है इसको थोड़े बहुत छोड़ देने की, खुद समझने दो। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ जो रीज़न है इसके, इस पत्थर दिल होने का, वो ये कि इसे आपका एटीट्यूड पता है। इसे ये पता है कि आपकी आदत है रोना। आप जब से जुड़े हैं ना, तब से सिर्फ रोते आए हैं। देखिए जो चीज़ रिपीटेडली होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपके घर में कोई दादा दादी है, बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उनका ना एक नेचर होता है, उनको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने की आदत होती है। वो अगर रूम में बैठे हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, बच्चे शोर मचा रहे हैं तो चिल्लाएंगे। उनको हर वक्त कुछ ना कुछ बड़बड़ाने की, उल्टा बोलने की आदत हो जाती है। बुजुर्ग होने पर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हर वक्त बड़बड़ाते हैं, हर वक्त उल्टा बोलते हैं, इस वजह से क्या उनकी बातों का कोई बुरा मानता है? उनको सब इग्नोर करते हैं। वो कितना भी चिल्लाएं, कितना भी डांटें, कितना भी इरिटेट करें, हर एक इंसान को इग्नोर करता है, घर में बच्चे से लेकर बड़ा तक। क्यों? क्योंकि सबको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये उनका नेचर है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, वो परेशान नहीं है, ये उनकी आदत में है बड़बड़ाना, तो वो चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर को ये फील आ गया है आपके किसी हरकत के वजह से कि हर वक्त रोना, चिढ़ना, पीछे पड़ना, ये आपके नेचर में है। छोटी छोटी चीज़ों में आपके आंसू आ जाते हैं, हर बात पे रो देना आपकी हैबिट है, तो जो चीज़ें रिपीटेडली हो रही हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। इस वजह से इसको फर्क नहीं पड़ता आपके रोने का। आप इसके लिए उसी बूढ़े के समान हैं जिसकी आदत है, जिसको तकलीफ नहीं है, जो अपनी आदत से मजबूर है, तो इसलिए ये आप पर ध्यान नहीं देता, इसलिए इसको फर्क नहीं पड़ता आपके रोने का, आपके दुखी होने का, आपके परेशान होने का। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से आपका पार्टनर बिल्कुल पत्थर दिल हो चुका है आपके लिए। अब ये तो आप ही पता लगा सकते हैं कि आपके साथ में क्या हुआ है। क्या आपका पार्टनर टाइम पास कर रहा था, या फिर आपकी किसी बात से परेशान है, इरिटेट है, या फिर आपकी किसी हरकत ने इसका दिल खट्टा कर दिया है? ये आप सोचिए, और अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने सजेशन देना बिल्कुल ना भूलें। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय।